सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सियाद अंसारी, स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल डॉक्टर में। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ बातें करूंगा जो बिहार बोर्ड के बच्चे फेल हुए हैं या उन्हें लगता है कि उन्हें उम्मीद से कम नंबर दिया गया है। तो बिहार बोर्ड ने एक प्रोसेस जारी किया है जिससे वह छात्र जो फेल हुए हैं वो अपना रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं और कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं। तो मैं कुछ प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड ने 6 जून को अपना 12 का रिजल्ट जारी कर चुका था जिसमें कुल 52% छात्र पास हुए हैं, जिसमें 44% छात्र साइंस के हैं, 61% छात्र आर्ट्स के हैं और 91% छात्र कॉमर्स के हैं। जो छात्र बिहार बोर्ड में फेल हुए हैं या उनको क्रॉस लगा है, तो एक और मौका है उनको अपनी कॉपी को रीचेक करवा कर पास होने का, वो है स्क्रूटनी फॉर्म। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्क्रूटनी होता क्या है। तो स्क्रूटनी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपनी कॉपी को रीचेक करा सकते हैं और अपने नंबर में इंक्रीज और डिक्रीज करवा सकते हैं। तो यहाँ बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट घोषित होने के बाद स्क्रूटनी का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है, जिसका जो डेट है जो विद्यार्थी 9 जून से 16 जून के बीच स्क्रूटनी के लिए बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट biharboardac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और दूसरे न्यूज़ में यह बताया जा रहा है कि 13 से 20 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की रीचेकिंग कराना चाहते हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड इस सुविधा के तहत ऐसे विद्यार्थियों को रीचेकिंग कराने का मौका दे रहा है जिन्हें लगता है कि उन्हें उम्मीद से कम अंक मिला है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विद्यार्थी को अपने स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, वह ऑनलाइन जो है किसी साइबर कैफ या अपने आप या किसी फ्रेंड या दोस्त से करवा सकते हैं। स्क्रूटनी के फॉर्म के लिए प्रति विषय में 70 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। मैं एक अगला वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसी के बारे में मैं बातें कुछ करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरेंगे। आज तक इस वीडियो में यहीं तक। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी न्यूज़ लाता रहूँगा और कोई अपडेट मिल रहा है तो मैं यहाँ पे आपको बहुत जल्दी ही लाऊँगा बेस्ट। और अगले वीडियो में वहाँ पे मैं बताऊँगा कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं और उसका डेट क्या है और प्रोसेस क्या है।